मैंने कुछ नहीं छोड़ा, आई मीन मैंने सब खरीद लिया है। फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो, आई स्वेयर मुझे इतना टाइम लगा है फर्स्ट वीडियो बनाने में यूट्यूब में। आई स्टार्टेड माई चैनल इन अक्टूबर आई थिंक, एंड अब सोचो मैं फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ, एंड दैट टू अ सरोजनी नगर हॉल। ओके, सो फॉर दोस्त जो मुझे नहीं जानते हैं एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं, हाय गाइज, आई एम शौर्या अग्रवाल। आई एम अ फैशन इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम। आई ऑल्सो पोस्ट कंटेंट ऑन फिटनेस एंड लाइफ स्टाइल एंड ब्यूटी, सो यू कैन गो चेक मी आउट ऑन इंस्टाग्राम, एंड इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो। आई वेंट टू दिल्ली फॉर सम वर्क, लाइक मी एंड माई सिस्टर, एंड वहाँ पे जाकर लाइक हर लड़की का सपना होता है कि वो एक बार तो सरोजनी जाएगी एंड बैग भर के कपड़े लाएगी, क्लोथ्स, बैग्स, एसेसरीज एंड शूज एंड हील्स एंड फ्लैट्स, आई डोंट नो, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, आई मीन मैंने सब खरीद लिया है। आप भी सोच रहे हो कि अगर आपको भी दिल्ली जाना है एंड सरोजनी नगर जाना है तो कुछ चीज़ें आपको एक्चुअल में ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मेरे साथ हुआ। लाइक मुझे उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था एंड मैं भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रही थी सरोजनी, सो मुझे बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। एक्चुअली आपको बैग्स कैरी करने चाहिए फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग आपको कैश कैरी करना चाहिए, फिर थर्ड चीज़ कि आपको अपना साइज पता होना चाहिए। लाइक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता वहाँ ट्राई करने का एंड स्टफ, आपको देख के पता लगाना पड़ता है कि ये मुझे आएगा कि नहीं आएगा। सो आपको अपना साइज एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपका साइज क्या है एंड आपको क्या चीज़ आ सकती है, मतलब आपको देख के पता लगाना पड़ता है वो चीज़। ऑल्सो फोर्थ थिंग कि वहाँ आपको आई थिंक डे में जाना चाहिए, लाइक रात में नहीं प्रेफर करूँगी मैं, ना डिफेक्टिव पीसेस बहुत होते हैं उनके, सो अगर आप दिन में जाओगे तो आपको वो चीज़ थोड़ी दिख जाएगी अच्छे से एंड आप उसको अवॉइड कर सकते हो, एंड अगर आप रात में जाओगे तो वो चीज़ मे भी आपको ना दिखे एंड आप उसको खरीद लो एंड देन घर आके आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आप ये क्या ले आए हो। ऑल्सो अ ट्राई ऑन हॉल बिकॉज आई हैवन ट्राइड देम, आई हैव जस्ट गॉट देम बिकॉज मुझे लगा कि वो मुझे आ जाएंगे, सो दैट इज़ लाइक मेरे लक पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। मैं साथ साथ में यहाँ पे लिप्स अटैच कर दूंगी बिकॉज मैं साथ साथ में ट्राई भी करूँगी। So let's get into the video. Starting with the first thing I got is this. It is a high neck top. It was basically of 200 and after bargaining I got it for 150. The second thing I got is this top. I saw the same top in Zara in the same color. So I was like, mujhe to chahiye chahiye, and I swear the quality is not bad. Like it's not at all bad, and you can wear it like in summers also. I just got two t-shirts, very basic t-shirts, like you can wear it on any wide leg or any flare jeans. This is the first one. Very loose. Actually, I got it in M and large. So for that, this color is like love, like I love this color. I saw it bonkers corner something. I saw the same tie dye t-shirt there and I wanted to buy it so badly. This both was of something 200 and 250. So okay, then I went to a shop thoda andar jaake जहाँ पे आई गॉट दीज क्यूट लिटिल कोरियन स्टाइल कार्डिगन्स, लाइक दे आर वेरी क्रॉप, आई सो लव देम। वन आई एम वेयरिंग राइट हियर, इफ यू कैन सी, दीज आर सो कम्फी एंड दीज वर ऑफ 300, और लाइक वन वॉज ऑफ 300, सो आई गॉट थ्री ऑफ देम बिकॉज आई लव दीज कलर्स, दे वर सो क्यूट। And one more I got is this one. I mean their quality is so good. Like I love their quality.
इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, लग ही नहीं रहा है कि इट इज़ ऑफ 300 एंड आई स्वेयर इट इज़ सो वर्थ बाइंग बिकॉज यू कैन स्टाइल इट ऑन डिफरेंट स्कर्ट्स एंड यू कैन वेयर इट ऑन यू नो स्किनी जीन्स एंड बूट्स. ओके सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्लेजर दैट आई गॉट. Can you guys just see the print? It looks so amazing. H&M का blazers also and I have actually compared. तो बहुत अच्छी quality है and the print is also very nice. So I have seen H&M and all my these prints and I actually wanted these prints. So, like it was a 500, they were giving it for 500 and I bargained. So मुझे ये 400 का पड़ा. Okay, so I got two more blazers. The first one is this in black. I actually wanted a black blazer from H&M from a very long time because you know आप जब कॉलेज जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है ब्लैक ब्लेजर की. मुझे क्रॉप टॉप्स के ऊपर ब्लेजर्स डालना बहुत ज़्यादा पसंद है. आई लव स्टाइलिंग इट दैट वे. ओके गाइज सो दिस इज माई फेवरेट ब्लेजर, लाइक माई फेवरेट, आई लव इट. Can you see the print? I swear I so love this blazer. I've seen the same blazer in Zara. I'm not joking. You can go check online and you will find the same black and white blazer. And the quality and the material, wow, it's so nice. You won't even feel that you're wearing a, you know, a 400 rupees blazer. Like wow. This is very nice. I so love this. Okay, so the last thing I wanted to show you guys in part one is this overcoat. Like I didn't have this color overcoat and I took a XL size in this because like you don't have many options there. Like वहाँ पे ये नहीं पूछता आपसे कि आपको XL चाहिए या L चाहिए. इसमें small size नहीं था and mostly हम लोग overcoats में तब invest करते हैं जब वो मुझे भी आ जाए, मम्मी को भी आ जाए and मेरी sister को भी आ जाए. So we invest in a large size so that कि हम मैं oversized पहन लेती हूँ and I don't have any issue in wearing. So this is like that. It's a long overcoat and मुझे पता है अभी use नहीं आने वाला है but it's okay, अगले साल आएगा, हर साल winters आते हैं, it's okay. So this is the last piece. Come up with part two जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं trousers and all में क्या लाई हूँ. Okay, so I am ending my video here. If you like the video and you want me to make more such haul videos and fashion related videos, then go. First subscribe me, then like the video, then comment on the video and then share it with your friends who are visiting Delhi, who wants to go to Sarojini and jiska bhi sapna hai ki wo Sarojini mein jaye and shopping kare. So usko ye video